जहां यूक्रेन की मिसाइल गिरी, वहां पहुंचा TV9 भारतवर्ष। आपको मालूम होगा G20 की मीटिंग के दौरान जब दुनिया भर के बड़े नेता बाली में थे, वहां पहुंच गया है TV9 भारतवर्ष। पोलैंड के शेवाडोफ पहुंचे हैं TV9 भारतवर्ष के संवाददाता आशीष सिंह। 25 नवंबर को पोलैंड के शेवाडोफ में गिरी थी मिसाइल, दो मौतें हुई थी। माना यह जा रहा था कि कहीं रूस ने नेटो कंट्री पर अटैक तो नहीं कर दिया है। ये देखिए, यहीं पर गिरी थी वो मिसाइल जिसके बाद इतना बड़ा गड्ढा हो गया। यूक्रेन की मिसाइल का पोलैंड में गिरने का अंदेशा जताया गया। इसके बाद यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर पर शेवाडोफ गांव है, जहां पर हमारे संवाददाता आशीष सिंह पहुंचे हुए हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहां पर यहीं पर वो मिसाइल गिरी थी जहां पर हमारे संवाददाता आशीष सिंह पहुंचे हुए हैं। तो ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, यहीं पर अभी हम आपको दिखाएंगे सबसे बड़ी कवरेज, महायुद्ध की लाउड एंड क्लियर कवरेज। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। एक तरफ मॉस्को में हमारे संवाददाता मनीष झा हैं, तो दूसरी तरफ वो जगह, ये वो गड्ढा है। देखिए, लाइव हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो गड्ढा है जहां मिसाइल गिरी थी। आशीष सिंह वहां पर मौजूद हैं। PCR आशीष सिंह कनेक्ट होते हैं तो तुरंत मुझे बताइएगा। हमारे संवाददाता आशीष सिंह वहीं पर हैं। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये लाइव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए बर्फ गिर चुकी है अब, और वहीं पर आशीष सिंह मौजूद हैं। सीधे आशीष का रुख करते हैं, आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे, सीधे उनके पास चलेंगे हम। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, यही वो शेवाडोफ गांव है पोलैंड का, जहां पर ये मिसाइल गिरी थी और उस मिसाइल के गिरने के बाद इतना बड़ा गड्ढा हो गया था। ये मिसाइल गिरने की जगह शेवाडोफ, दो लोगों की मौत हुई थी। G20 की मीटिंग चल रही थी, आपको याद होगा, हम आपको बता रहे थे लगातार G20 की मीटिंग के दौरान ये मिसाइल गिरी थी। और ये आरोप लगाया ज़ेलेंस्की ने, ये तो रूस ने पोलैंड पर अटैक कर दिया है, नेटो पर अटैक कर दिया है। तो पोलैंड में पहुंच चुका है इस वक्त TV9 भारतवर्ष हमारे संवाददाता। जल्दी से आपको समझाते हैं लोकेशन क्या है। आशीष की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए, यह है आशीष सिंह की लोकेशन, शेवाडोफ गांव। यहां पर रूस में मॉस्को में मनीष जहां जो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। लेकिन ये जो गांव आप देख रहे हैं जहां पर दो मिसाइलें गिरी थी, ये पोलैंड है, ये यूक्रेन है। इसी बॉर्डर पर, पोलैंड की टेरिटरी के अंदर, इसी शेवाडोफ गांव पर यह ब्लास्ट हुआ था। यहीं पर आज तक कोई नहीं पहुंचा जहां पर आशीष सिंह पहुंचे हुए हैं, जिनकी हल्की सी झलक अभी आपने देखी। आशीष सिंह को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथ। आशीष, आपको बताएंगे कि इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं। इससे पहले कि आशीष हमारे साथ जुड़े, जल्दी से आपको अभी तक हुआ क्या ये पूरा अपडेट भी दे देते हैं। PCR जल्दी से वो यहां पर अपडेट देते हैं अपने व्यूअर्स को, अभी तक इस पूरे मामले में हुआ क्या है वो भी आप जान लीजिए। देखिए, यहीं पर गिरी थी मिसाइल जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर आशीष सिंह मौजूद हैं। यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर यह शेवाडोफ गांव है। आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि अभी तक हुआ क्या है, आप समझिए इस पूरे मामले को, तब ताकि जब आशीष वहां से बता रहे हो आपको जानकारी, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जल्दी से आपको वो जानकारी देते हैं, आखिर अभी तक हुआ क्या है। 15 नवंबर और 16 नवंबर की दरमियानी रात क्या हुआ था, यूक्रेन से सटे पोलैंड बॉर्डर के गांव में मिसाइल गिरती है। मिसाइल गिरने के बाद क्या हुआ, प्रारंभिक जांच में मिसाइल यूक्रेन की निकल कर आती है, आगे क्या, बाइडेन और ज़ेलेंस्की में तनाव की खबर है। ये इस वॉर जोन का सबसे बड़ा मोड़ है, क्या यहां से इस वॉर में कुछ अलग होगा ये भी देखना होगा। मिसाइल गिरने से दो लोगों की मौत होती है, बाइडेन ने यूक्रेन मिसाइल होने की बात कही है, बाइडेन नाराज हो चुके हैं ज़ेलेंस्की से, यह सामने आया है। इस बारे में भी बहुत बड़ी खबर है मॉस्को में, क्योंकि मनीष झा हैं PCR, अगर वो कनेक्ट हो गए हो तो उनको भी जोड़िए, उनके पास भी हम जा सकते हैं कि बाइडेन क्या ज़ेलेंस्की से नाराज है। पहले यह ब्रेकिंग न्यूज दिखा दीजिए, यह ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा देते हैं, क्या हुआ था उस दौरान और कैसे ज़ेलेंस्की से बाइडेन नाराज हैं। यह ब्रेकिंग न्यूज आपको देखनी चाहिए। रूस यूक्रेन जंग के बीच बड़ी खबर है, ज़ेलेंस्की का फोन नहीं उठा रहे हैं जो बाइडेन, ये बहुत बड़ी खबर है। ज़ेलेंस्की से बात तक नहीं करना चाहते बाइडेन, वजह वही वो मिसाइल अटैक है जहां पर TV9 की टीम है। बाइडेन के ज़ेलेंस्की से नाराज होने की खबर भी आ रही है, पोलैंड में मिसाइल अटैक से नाराज हैं बाइडेन, ये जानकारी भी सामने आ रही है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।